दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कान में जमी मैल को पूरा साफ करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों कान में मैल जमा होना एक आम बात है जो सभी के साथ होता है। कान में मैल जमा होने से कानों की समस्या उत्पन्न होने लगती है और कान में मैल देखकर दूसरों को भी घृणा होती है। पर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि कान में मैल का जमा होना अच्छी बात है और होना भी चाहिए, फिर भी इसे साफ करना जरूरी है। कई लोग कान के मैल साफ करने के लिए बहुत गलत गलत तरीके आजमाते हैं जिससे उनके कान के पर्दे फट जाते हैं, सुनने की क्षमता कम हो जाती है या फिर कान की समस्या उत्पन्न हो जाती है, दर्द होता है वो अलग। दोस्तों कान हमारे शरीर का बेहद नाजुक और सेंसिटिव अंग है, इसलिए इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो कान में मैल जमा होना जरूरी भी है। मैल डेड सेल्स और फैट से बने होते हैं, इसे इंग्लिश में ईयर वैक्स कहते हैं। ये मैल हमारे कान में धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया या फिर गंदगी को जाने से रोकते हैं, इसलिए हमारे कान में मैल जमा होना बहुत जरूरी है। पर अगर ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो ये कानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और ये देखने में भी गंदा लगता है, इसलिए इसे समय समय पे सही मात्रा में साफ करते रहना चाहिए ताकि आपके कानों को नुकसान भी ना पहुंचे और कानों की सुरक्षा भी होते रहे। आज हम जानेंगे कान साफ करने के आसान तरीके के बारे में जिसे आप बिना दर्द के कान को अच्छे से साफ कर सकते हो। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन अप करता है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। कान की खोंट साफ करने का यह सबसे पुराना तरीका है। कान में एक या दो बूंद बादाम का तेल डालकर सिर को उसी दिशा में मोड़कर रखें। 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहने से खोंट मुलायम हो जाएगी और आराम से बाहर निकल आएगी। दूसरा है दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों यह सबसे फास्ट और असरदार तरीका है, इसलिए आप 1 चम्मच पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 से 3 बूंदें डालकर घोल बना लीजिए। फिर रुई की मदद से इस घोल को कान में हल्के से डालिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान का मैल को फुलाकर बाहर कर देता है जिसे आप आसानी से साफ कर पाएंगे। एक कान साफ होने के बाद दूसरे कान को साफ कीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है पर इसमें रिस्क भी है। ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से कान को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मेडिकल में पूछकर ही इसे खरीदें कि क्या इसे कान में डाल सकते हैं, कैसे और कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, ये सब पूछकर ही तभी जाकर इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके अलावा तेल डालिए, ये बेहतर तरीका है कान को साफ करने का। आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लें, फिर रुई की मदद से 3 से 4 बूंदें कान में डाल लें और उस रुई से कान को ढक लें। इससे मैल फूल जाएगा और बाहर आ जाएगा। फिर आप ईयरबड की मदद से सारे मैल को साफ कर लें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ईयरबड का इस्तेमाल आप सावधानी पूर्वक करें। दोस्तों इस नुस्खे को रात में करना, यानी कि रात में तेल कान में डालकर सो जाइए और सुबह उठकर साफ कर लीजिए, क्योंकि ये तरीका थोड़ा स्लो है पर सबसे बेहतर और असरदार है। और ये तरीका आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि फायदा ही देगा, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर चाहे आप ज्यादा तेल क्यों ना डाल दें, और कान को साफ करने का बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव तरीका है जिससे आपके कानों की सुरक्षा भी होगी और कान के मैल भी साफ हो जाएगा। महीने में एक बार कान जरूर साफ करें, इससे आपकी सुनने की क्षमता भी अच्छी रहेगी और कान का मैल भी साफ हो जाएगा। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कान में कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि हेयर पिन, माचिस की तिल्ली, सेफ्टी पिन। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस चीज को अवॉइड करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते जाइए।